नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आपके सामने तथागत सिविल सर्विसेज़ ऑनलाइन क्लास में फिर से उपस्थित हूँ। यहाँ पर हम लोग संस्कृत व्याकरण के उन विषयों को पढ़ रहे हैं जो सहायक अध्यापक परीक्षा नेट जीआरएफ सीटेट के साथ राज्यों की जो टीटी परीक्षा है, यूपी टेट है, एमपी टेट है, रीट है, इत्यादि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में ही टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है संस्कृत से संबंधित। इन विषयों में हम लोगों ने संधियां प्रारंभ की थी, संधियों को हम लोग पढ़ रहे थे, संधि प्रकरण पढ़ रहे थे। उसी संधि प्रकरण के अंतर्गत पिछली क्लास में, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यण संधि को पढ़ा था। अब यण संधि के बाद हम लोग अगली संधि को पढ़ेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि तथागत सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न आपको पूछना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसका यथासंभव उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। साथ में अगर आपका कोई सुझाव है तो उस सुझाव को भी प्रस्तुत कीजिए, मैं उसमें भी कोशिश करूँगा कि मैं उस सुझाव को अपनाऊँ। तो ठीक है मित्रों, हम लोग संधि प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। संधि प्रकरण के अंतर्गत आज हम लोग जो विषय को पढ़ेंगे या संधि को पढ़ेंगे वह है अयादि चतुष्टय संधि, जो अच संधि का ही एक भाग है। तो हम लोग आज अयादि चतुष्टय संधि को पढ़ेंगे। इस संधि का जो स्वरूप होता है वो, क्योंकि इसमें परिवर्तन है, अंत में अगर अच है तो उसके आधार पर विभिन्न वर्णों का जो परिवर्तन होता है, क्योंकि तभी होगा क्योंकि स्वर होगा, स्वर संधि तभी होती है, अच संधि तभी होती है जब स्वर और स्वर का मिलन होता है, स्वर और स्वर के मध्य संधि होती है तभी होती है। तो वैसी ही संधि है अयादि चतुष्टय संधि, जिसको अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अयादि चतुष्टय संधि का जो सूत्र है, सूत्र वाक्य भी याद रखिए, एचो अय वायावह। क्या है? एचो अय वायावह। एच क्रमाद अय अव आय आव एते शुरचि। एच क्रमाद अय अव आय आव एते शुरचि, अर्थात एच, एच क्या है, एच प्रत्याहार क्या है, ए ओ अय औ, ये क्या है, एच प्रत्याहार है, के स्थान पर अयादि। अयादि क्या है, अय अव आए और आव, ये अयादि कहलाते हैं। एच क्या कहलाते हैं, ए ओ अय औ, आदेश होता है। कब होता है, यदि बाद में या आगे अच हो तब यह आदेश प्राप्त होता है। जैसे इसका विस्तार हम देखते हैं कि ए का क्या बनेगा, एच में ए ओ अय ओ औ है और अयादि में क्या है, अय अव आय आव, क्रमशः देखते हैं। ए का परिवर्तन किस में होता है, अय में होता है। ओ का परिवर्तन किस में होता है, औ में होता है। ए का परिवर्तन किस में होता है, आय में होता है। औ का परिवर्तन किस में होता है, आव में होता है। तो ए का अय, ओ का औ, ए का आय, औ का आव, यह स्वरूप हमको इस संधि के अंतर्गत प्राप्त होता है। चलिए इसके कुछ उदाहरण समझ लेते हैं कैसे है। जैसे पहला है हरे धन ए, तो क्या बनता है, हरे बनता है। तो हरे हर धन अय धन ए, यही तो हुआ स्वरूप, हर धन अय धन ए, तब क्या बनेगा, हरय बनेगा। जैसा है अर, हमको जो प्राप्त हो रहा है धन रखिएगा। ए का क्या हो रहा है, ये अय प्राप्त हो रहा है, ये ए जो लगा हुआ है इसका हमको क्या स्वरूप प्राप्त हो रहा है, अय आदेश प्राप्त हो रहा है इस संधि के अंतर्गत। जैसे विष्णु धन ए है, तो विष्णु धन ए का बनता है विष्णवे बनता है। लेकिन जब हम विष्णु धन ए का विस्तार करें, ओ है ये, ओ का क्या स्वरूप परिवर्तित होगा, औ में परिवर्तित होगा। ओ का स्वरूप कहाँ परिवर्तित हो रहा है, औ में परिवर्तित हो रहा है। तो विष्णु धन अव धन ए बनेगा और बनता है विष्णवे। नायिका का क्या होता है, नायिका का नय धन अका, अय है ये, ऊपर देखिए नय, नय मतलब अय। आय का किस में हम परिवर्तन कर रहे थे, आय में परिवर्तन कर रहे थे। तो ना धन आय धन अकह, नायिका। पावका का क्या बनेगा, पौ धन अकह, पौ औ, औ यहाँ पर औ है, औ का परिवर्तन किस में है, आव में है। तो पौ धन अकह, प धन आव धन अकह, पावका, यह स्वरूप हमको प्राप्त हुआ। इसी तरह बाकी हैं गव्यम गोधन यम, गव्यम का क्या स्वरूप है, गोधन यम।
नाव्यम नौधन यम गव्युति ही गोधन युति ही। गोधन युति का क्या बनता है? गव्युति। सैनम सेधन अनम, या सेधन अनम का क्या बना? सैनम स्वरूप बना। पोधन अनम, पोधन अवनम का पवनम, या पवनम का हम कहें पोधन अनम। विच्छेद, पोधन इत्रम पवित्रम, पोधन इत्रम पवित्रम। नौधन इकह नाविका, क्योंकि नौ है औ है, औ का क्या बनता है? आव बनता है, तो नौधन इकह का नाविका। तो ठीक है मित्रों, यह अयादि चतुष्टय संधि थी और अयाद चतुष्टय संधि के विभिन्न उदाहरण थे, और इसके बाद की जो संधियां होंगी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि तथागत सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आप मुझसे जुड़ जाएंगे और आपको सारे नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो क्लासेस बनेंगी उनके सारे नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। साथ में अगर कोई विषय नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नए वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।